नीचे मारा आमंत्रण एक छोटे से फोनकार का ही स्वीकार करते हैं, तो मैं पूरी तरफ की तरह से शुक्रिया अदा करूंगा। तो मैं अब अपने प्रधान मिस्टर सनी जी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां वो दिया रामचंद्र की, तो जोर से एक बार इतनी जोर से कि कठुआ भी रामलीला का सुनाई देनी चाहिए। वहां वो दिया रामचंद्र की तो मैं इससे गुजारिश करूंगा मिस्टर सनी जी से, सबसे पहले मिस्टर अर्जुन सिंह जी को प्रदान करें, जोरदार तालियां, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जोरदार तालियां। बोलियावर रामचंद्र की, हमें भी उनको मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। उनके साथ युवराज सर जी, जोरदार तालियां, तालियों में कोई कमी नहीं, कारमारी इस क्लब को बना रहे, जिनकी दृष्टि बदौलत ये सब आप लोगों के कारण ही है। आज हमारी क्लब इस मुकाम पर है कि ये सब आप ही का योगदान है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार बढ़ चढ़कर आप अपना योगदान हमारे इन कार्यकर्ता को देते रहें और हम उसको और दूसरी को चाहिए तक लेके जाएंगे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो दीवार के लोग बैठे हैं इसमें ना बैठे, जो हिलती है जो नीचे गिर सकती है। तो हमारी कोशिश चल रही श्री अर्जुन जी जी से गुजारिश करूंगा कि वह इस मंच में दो शब्द अवश्य कहें। बोलियावर रामचंद्र की जय। जो जब चलता ही रहे पैमाना, हमें भी तो दो, हम जहां लंगर खाने आए हैं। लीजिए है जिंदगी का तब रहे हम और तुम साकी, बना दे बोतले खाली। कुछ परवाह नहीं, जिसको जितनी मिले उतनी ही पी जाओ। लाल परी वाह क्या नाम है लाल परी, तासीर है पागल बनाकर छोड़े, ये लाल परी है। हाय मेरे भाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई। अरे ये मेरे और कहां से आई मजाक सोचता है, इधर मेरी तरफ देखो। तुम्हें मखोल सूझता है और मेरी जहां ना कट गई। अरे मासी, ये दंगा कहां से लेके आई? एक तो फायदा हो गया, कीजिए हरकत।
सीने से बेचार कौन है, किसकी आई बुरी कड़ी, सांप के मुंह में उंगली देवे, किसकी इतनी चुरप पड़ी, कदम के रास्ते कौन चला और मौत से किसकी आंख लड़ी, कौन है जिसको अपने बहुबल पर है इतना अभिमान, बता दे बहनों सुख लगा भैया। बैठे बैठे दिल लुकताया, जो ही शहर को जाती थी चलती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी, चलते फिरते जो ही अचानक पंचवटी पर जा टके, नजर पड़े दो बनवासी चट देखुन में बिखर की, हुई मैं जिस दम उनके सामने उनकी आंखों में खटकी, भूरी नजर से लगे देखने आपस में कुछ गिट की, बह जाते थे फुसलाना मैं खातिर में नहीं लाती थी, चलती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी, सत्यानाशी कौन है और किसके जाए, मेरे इलाके में बहम बिना इजाजत क्यों आए, मेरे हुक्म बिन पंचवटी में किसने है वो ठहराए, करे जहां आकर छुरे जी खोफ न कुछ दिल पर लाए, निश्चय ही अब उसके वास्ते मौत का सब समान हुआ, बता दे पहना रूप लगा ये क्या ऐसा कम खान हुआ। बनवासी अंतपुरी के राजकुमार कहलाते हैं, नाम एक का राम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं, उनकी जो मंजूर नजर सीता कहे उसे बुलाते हैं, हुसन जवानी देख चांद सूरज तक शर्माते हैं, जब मेरा नाक उड़ाया मैं अपना आप बचाती थी, करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी, अपना दिल बहलाती थी, अभी चखाऊं मजा उन्हें मैं राजकुमार कहलाने को, मेरे इलाके में आकर मुझ पर ही हाथ उठाने का, पता चलेगा अभी उन्हें इस तेरे खून बहाने का, जब तक नालू बजा बहना राखी तक नहीं खाने का, देख तेरी हालत ऐसी पार जिगर के पान हुआ, बता दे बहना रूप लगा ये कैसा कमजान हुआ। मालूम हो गया बेवनवासी सत्यानाशी मौत के मोह तलाशी, दही के धोखे में सपास खा गए हैं और खुद ब खुद मौत के मुंह में आ गए हैं, कसम है बहन रूप लगा तेरी वो ताकत दिखाऊंगा, कन्ने की तरह पीस के पल भर में मिटा दो, चाहूं तो कुचल दो अभी मिट्टी में मिला दो, लेकर पंडो विनाश की तलवार हाथ में बढ़ती हुई विदेशी चले साथ साथ में, साकी हाहा साकी जाम पर जाम पिला रंग जमा दे साकी, जिसको आदत ना हो उसको पी पिला दे साकी, एक दो तीन नहीं बार चला दे साकी, सारे दरबार को लंकेश
मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगा, सबको खिलाया जाएगा और इसके जिगर का खून निकाल कर बैठ रुकने को पहले जिगर की प्यास बुझाऊंगा। मैं तुम जैसे दुष्टों को मारकर ही अयोध्या वापस जाऊंगा। अच्छा, तुझे मालूम नहीं किस पंचवटी में किसका अधिकार है? क्या तुझे मित्रों से बहुत प्यार है? जिस पंचवटी पर तुम लोगों ने अपने डेरे लगाए हैं, अब उस पंचवटी को तुमसे मैं छोड़ाऊंगा। अरे शौकरे, ये देख ये देख, इतने टुकड़े फटाऊंगा, इतने 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 टुकड़े बनाऊंगा। ज्यादा बातें ना बनाओ दुशान। अरे दुशान जी भैया, जिसकी धार में जमीन और आसमान को हिला दिया और बड़े बड़े शुक्रधारियों
किसकी मजार है। महाराज के शुभ चरणों में लंका की राजधानी ने जो गौरव हासिल किया है वह दूसरी कोई राजधानी को नसीब नहीं है। आ गया भूल के तो जिंदा ना जाने पाया, कोई सर्कस ना सर हिलाने पाया, सामने आपके नाख उठाने पाया, कोई बलवान हुआ तो बल से दबाया उसको, जो बल से ना दबा पर शर से दबाया उसको। है पद्मा बोली धत्य दानवों की तो विषाद ही क्या। इशारे के आपके सूर्य चहा जगमगाता है, हुक्म बिन आपके दहेक पता भी हिलने पाता है, सर उठाने की हिम्मत नहीं किसी इंसान में, सानी आप सा नहीं कोई भी इस जहान में। और कहा ईमानदारी रियासतों की आज का ही निस्संदेह हमारी इस उन्नति को देखकर बहुत से हाथों को सिर पर साथ लौटने होंगे, मगर जब हमारे देश का सितारा बुलंद है तो किसी की क्या मजाल है। क्या कहा जैसे शोरवीर सेना समेत एक तरफ और लेकर अकल से आपका कमजोर झूठ बिल्कुल झूठ बकवास केवल बकवास, अरे तेरा सत्यनाश भला कभी ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल झूठ होता है। मैं लुट गई बर्बाद हो गई गई, हाय मेरी मैया हाय मेरे मैया मैं लुट गई बर्बाद हो गई। आप क्या है कुछ मुझसे तो बोल। क्या बोलू अयोध्या के राजकुमार जिनके बाप ने भी बच्चन समझकर वहां से निकाल दिया, उन्होंने तेरी नाक क्यों उड़ाई। भाई जो ही मैं घूमती फिरती वन की तरफ गई तो मेरी नजर उन दोनों पर पड़ी, मेरी सुंदरता और जौवन को देखकर उनके दिल में बेमानी समाई, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आबरू बचाई। रामचंद्र की स्त्री सीता जिसकी खूबसूरती के आगे सूरज भी मात है, दयाफत का प्रकाला भी उनके साथ है, मैंने सोचा कि उसको भी नजरे बंद कर मजा चखाऊं और किसी तरह उठाकर उसको आपकी पटरानी बनाऊं। जो भी मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाया मुझे लक्ष्मण ने रामचंद्र के इशारे पर मेरा नाक उड़ाया। सीता मेरी जान मान की मालिक सीता तू निसंदेह वही सीता है भतीजा है। दिल में दर्द उठा आंखों में आंसू भर आए, बैठे बिठाए ना जाने वो हमें क्या याद आए। हाय सीता ओ सीता क्या प्यारा नाम है,
हरे जालिम सीता, यद्यपि मैंने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, मगर अवश्य जीती जाएगी और अपने सर्वदेव दीदार के जाओ अपने नाजुक और हिलाई हाथों से रावण को ही बनाएगी। निस्संदेह अब तू रावण की पदरानी कहलाएगी और तेरी मनोहर सुंदरता की छवि लंका के सुनहरे महलों में ही जगमगाएगी। मेरे देकर दिल सब्र कर सब्र कर सब्र कर, इतना नाम शल इस कदर नाम चल, मगर इस पर तेरा भी क्या कसूर है, बल्कि उस प्यारे नाम में ही कुछ ऐसा जरूर है जिसको सुनकर आज तो भी पूरी तरह थक रहा है, मानो वक्त से पहले ही उसके स्वागत के लिए थक रहा है। अरे मेरी किस्मत केदार हो, अरे मेरी पावत मेरी सहायता के लिए तैयार हो, अरे तकदीर आज तेरी परीक्षा ली जाएगी और निश्चय ही तू मुझे निराशा का मुंह न दिखाएगी। बहन सुनगा, तुम महलों में विश्राम करो, अरे मेरे सूर्य सतारो तुम भी आराम करो। भैया मुझे तो आराम तब मिलेगा जब तुम दोनों का जनाजा मेरे सामने से निकलेगा। पता जरूर लिया जाएगा, जाओ मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, जाओ जाओ। तेरे हुस्न के शोले मुझे यहां भी आके जाते रहे और तेरे नाम के चर्चे मुझे हमेशा खाक में ले जाते रहे, मगर याद रख अब तू अयोध्या लौट कर कदाचित न जाएगी, निस्संदेह रावण की पकड़ानी कहलाएगी। ताकत से बल से कपट से छल से धोखे से फरेब से तने से तनाकी से अयारी से मक्कानी से सितमरानी से बेईमानी से जिस तरह हो सकेगा तुझे उड़ाऊंगा और तेरी अपूर्व सुंदरता की रोशनी से अपने महलों की रौनक बढ़ाऊंगा। क्योंकि एक एक नहीं ग्यारह दस रावण फिर तेरे पांव बारह बहुत है।